हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? एंड आपको लग रहा होगा पिक्चर में कलर कैसा आ रहा है, यहाँ पर कुछ ऐसा आ रहा है और अभी करने पे ऐसा आ रहा है। अभी तो ऐसा ही है। एक्चुअली क्या है, जो गेट है, गेट में एक्चुअली ग्रीन कलर की शीट लगी हुई है ना, तो इसकी वजह से कुछ रिफ्लेक्शन में चेंज होके ऐसा आ रहा है हमारा। तो यहाँ पर मैं इसलिए आई हूँ। सबसे नीचे क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, होली पर पूजन करते हैं ना, एक अंकल आंटी रहते हैं जो जिनका पापा जी के साथ कनेक्शन अच्छा है, मतलब पापा जी के साथ दोस्ती है उन अंकल जी की, तो उन आंटी ने बना के दी है अब की बार बुरकले की माला। उनको शायद ये लगा होगा कि मम्मी जी नहीं है तो पता नहीं बच्चे कुछ, मतलब बच्चों को पता भी है नहीं पता, याद रहे या ना रहे सब कुछ लगा होगा, तो उन्होंने एक्स्ट्रा बना ली थी दो माले, तो उन्होंने दिए हैं। तो वो यहाँ रखी हुई थी, पापा जी ने यहाँ पर रखी हुई थी, बल्कि इनको मैं अब ऊपर लेके जाऊँगी, ऊपर रख लेंगे इनको। हमारी फैमिली में जब हम छोटे थे ना, तो हर एक बच्चा एक एक माला पकड़ के ले जाता था, तो ऐसे लगता था जितने बच्चे हैं उतनी माला आप होली पर पूजन के लिए डाल सकते हैं। तो अभी हमारे पास तो दो हैं, मतलब एक दीदी की माला हो जाएगी, एक मेरी हो जाएगी, इस तरह से करेंगे यहाँ पर। तो और बताए क्या, आज मेरी गर्दन में थोड़ी स्टिफनेस लग रही है मुझे एक साइड में। जब मैं कोई खट्टी चीज़ें खाती हूँ ना, ज़्यादा खट्टा खा लेती हूँ, तो स्टिफनेस आ जाती है, अकड़न हो जाती है नेक में। और बार इस साइड में होती थी, अब की बार इस साइड में हो रही है, तो बड़ा अनकंफर्टेबल सा लग रहा है। तो कहते हैं ना, कुछ लोगों को सूट करती हैं खट्टी चीज़ें, कुछ को नहीं, तो ये है एक्चुअल में, मुझे भी खट्टी चीज़ें कम सूट करती हैं। गुंजिया, जैसे कि आपको पता है होली का सीज़न स्टार्ट हो चुका है, गुंजिया आ चुकी है, हमने भी घर पे बनाई है, लेकिन जैसे मैंने बताया ना, बाहर से आती हैं, और ये भी दीदी का सामान आया था होली का। हमारे मायके से आई हैं तो मैं दिखाती हूँ, जो यहाँ घर पे बनी हैं वो अलग हैं, उसकी रेसिपी मैं डालूंगी एंड में। सौंफ दिख रही है ना। तो फ्रेंड्स, अभी मैं यूज़ करूँगी वाव स्किन साइंस का एलोवेरा जेल। इसको मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर है नेचुरल हीलिंग एंड रिजुविनेटिंग बेनिफिट्स, और ये 99% प्योर एलोवेरा से बना हुआ है। इसके मल्टीपर्पज़ यूजेस भी हैं, जैसे आप स्कैल्प, हेयर एंड स्किन पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें है एलोवेरा जूस, जो कि हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, ड्राइनेस एंड इन्फ्लामेशन को कम करने में हेल्प करता है, जर्म्स एंड माइक्रोब्स को भी न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। जिनेथन गम है, जो कि स्किन में मॉइस्चर को बूस्ट करता है। सिट्रिक एसिड है, जो कि पिगमेंटेशन को लाइट करने में हेल्प करता है। इस एलोवेरा जेल के मल्टीपल यूजेस हैं, तो चलो मैं आपको बताती हूँ। इसे इंस्टेंट मॉइस्चराइजेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ यूज करके। थोड़ा सा जेल लेना है आपको और ऐसे अप्लाई करना है, इससे आपका फेस मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेटेड रहेगा। इसे आप स्क्रब की तरह भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, 1 चम्मच शुगर लेनी है, और उसमें 1 चम्मच आपने एलोवेरा जेल डालना है। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लो। आप इस स्क्रब को फेस एंड बॉडी पर अप्लाई कर सकते हो और वाटर से वॉश कर लो। ये एक नेचुरल स्क्रब का काम करता है। ये आपके बालों और स्कैल्प को भी अच्छे से नरिश करता है। आपको थोड़ा सा जेल लेकर अपने स्कैल्प में मसाज करनी है एंड ओवरनाइट के लिए रहने दो। मॉर्निंग में शैम्पू कर लो, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है हेयर एंड स्कैल्प में। इसके और भी यूजेस हैं, जैसे सनबर्न सूदर, आप अफेक्टेड एरिया पर इसको अप्लाई कीजिए, इंस्टेंटली सूट करेगा। इसके अंदर है एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज, आप अपने फेस, नेक और हाथों पर अच्छे से अप्लाई कीजिए और ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिए फॉर गुड रिजल्ट्स। इसके अंदर कोई भी हार्मफुल केमिकल्स यूज नहीं है, मींस नो पैराबेन, नो सल्फेट, नो सिलिकेन, नो आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस। एंड इसके जो भी लिंक्स हैं मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, बाय कर सकते हैं। इस ऑर्डर के साथ मुझे मिला है ये एक सीड पाउच। वाओ ने स्टार्ट किया है हैशटैग वाओ ग्रीन हैंड्स इनिशिएटिव, जिसमें कि वाओ की वेबसाइट से ऑर्डर करने पर आपको एक सीड पाउच मिल जाता है ऑन एवरी ऑर्डर, जिसको प्लांट करके आप भी बन सकते हैं एक प्राउड प्लांट पेरेंट और इस इनिशिएटिव का पार्ट। तो जल्दी से जाइए, इस इनिशिएटिव में पार्ट लीजिए, बी वाओ नेचुरली। माला बन जाएगी, सही है। और अभी मैं छत पर आई हूँ, जो कि प्लांट सीड मैंने दिखाए थे ना स्पिनच के हैं वो, तो हमने सोचा कि उनको डाल दिया जाए मिट्टी में। और यहाँ पे जो हमारे और पेड़ पौधे देखे, जो तुलसी जी थी वो तो बिल्कुल सूख गई हैं। कुछ ऐसे हालात है, समझ में नहीं आता वो तो क्यों सूखती हैं, मतलब शायद आप लोगों ने बताया भी था कपड़ा उढ़ाना चाहिए ऐसे करके, तो हमने किया था, कपड़ा भी उढ़ाया था कुछ टाइम तक, लेकिन फिर भी सूख गई थी। ये है पालक सीड्स, गिरा मत एक दो। अच्छा, ये सूखे पत्ते हैं दीदी, क्या है, लो ऐसे गिरते हैं, ऐसे डाल दो इधर।
पापा जी को बोलना पड़ेगा इसके अंदर वो है, कभी पता चले सब कुछ गायब है मिट्टी सहित। क्यों फैला के गई है। हाँ और अभी जैसे कि यहाँ पर मैं सोयाबीन के शेक की तैयारी के लिए सोयाबीन उबलने के लिए रख दूंगी। वैसे सिंपल पानी में बॉईल भी कर लेते हैं जैसे, लेकिन पता है क्या, जब हम कुकर में सीटी लगा के, मैं इसलिए उबालती हूँ क्योंकि इनको बिल्कुल फाइन शेक पीना होता है ना, तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स नहीं आते हैं, अच्छे से उबाल लेती हूँ। बल्कि ना सीटी तो नहीं लगाती हूँ गैस मंदी करके पहले, मतलब जब सीटी आने वाली होती है ना उस टाइम पे गैस मंदी कर देते हैं और फिर काफ़ी देर तक उनको होने देती हूँ। तो जब हम मिक्सर में ग्राइंड करते हैं ना सोयाबीन, तो अच्छे से बन जाता है शेक, वरना अगर थोड़ा बहुत भी कच्चापन रहता है तो पीने में दिक्कत होती है फिर उसको। तो यहाँ पर बस उसी की तैयारी चल रही है, इनको उबलने के लिए रख देती हूँ मैं, ठीक है। और अभी देखने जाएंगे पापा जी के रूम में बच्चे क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। बच्चों की आवाज़ आ रही है इन, मतलब बच्चों का ये होता है एक बार हमें बीच में जाके ना देखना ही पड़ता है, क्योंकि वरना ना अधिकतर ही फाइट करते हुए ही मिलते हैं अगर इनको कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देते हैं तो। नमकीन पापा जी सॉरी। हाय एंड यस, जो कि हमें प्लांट सीड मिले थे ना स्पिनच के थे वो, तो हमने उनको मिट्टी में डाल दिया है। सीडलिंग होगी तब देखते हैं कि कैसे क्या रहेंगे। मुझे ऐसे काम कम आते हैं करने की, कैसी मिट्टी होनी चाहिए उनके लिए, मतलब क्या केयर होनी चाहिए। लेकिन यस, मैंने दीदी के सुपरविजन में ये मतलब डाले। वैसे उनमें कुछ भी नहीं थे, दीदी ने बोला मिट्टी में ऐसे मिक्स करके डाल दो, पानी डाल दो थोड़ा सा और हो जाएगा। तो देखते हैं स्पिनच होता है उगता है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन हाँ, ऐसी चीज़ें मुझे अच्छी लगती है लेकिन अपने हाथ से नहीं किया, मतलब अपना किचन गार्डन होना चाहिए। और जैसे नर्सरी होती है, ये सब चीज़ें देखने में अच्छी लगती हैं बट अपने आप इतनी एक्टिव नहीं हूँ उन सब चीज़ों को करने में। तो जैसे भी रहेगा आपके साथ दिखाएंगे। एंड यस, एक और बात शेयर करनी थी आपसे। इस संडे को मेरे हस्बैंड जाएंगे टिकट्स कराने के लिए, मेरा फाइनल हो चुका है जाने का, लेकिन अभी मैं नहीं बताऊंगी। संडे को जाएंगे मतलब पापा जी के अकॉर्डिंग ये है कि पहले से ही टिकट्स वगैरह देख लो कराने का, ऐसे ना हो क्योंकि एकदम से कराते हैं तो वेटिंग में सीट जा रही है, कैसे क्या हो रहा है, तो उन सब की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप पहले टिकट्स वगैरह एडवांस में बुक कर लो। तो संडे को बुकिंग कराने जाएंगे जैसे, तो दीदी का नहीं हो पाएगा जाना क्योंकि है नहीं छोटा है, तो छोटे बच्चे के साथ है, फिर थोड़ा सा उनको यही था, मतलब है नहीं छोटा है, नहीं को भी देख रेख चाहिए अभी, और सेंटिया भी बड़ा हो चुका है तो फिर मेरा जाने का बनेगा। और क्या रीज़न है, देखो वैसे तो नहीं जाना होता नॉर्मली, मतलब नहीं तो मैं नहीं कहूँगी पर अलग से टाइम निकाला जाता ये वो, लेकिन अब ओकेजन ऐसा है, रीज़न बहुत बड़ा है तो इस वजह से जाना ज़रूरी है, ऐसी चीज़ को हम नहीं टाल सकते हैं। तो जाएंगे, फाइनल हो गया है, ठीक है। लेकिन बाकी सारी चीज़ें तभी रिवील करूंगी मैं जब हमारी टिकट्स कंफर्म हो जाएंगी, तब हम जब हम जाएंगे, ठीक है। एंड ये से एक और बात, आप कमेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हो जिनका मैं आंसर नहीं करती हूँ, तो मैं ये कहूँगी आप मत पूछा करो, क्योंकि जब आपको पता है आंसर नहीं मिलने वाला, पता है मेरे को खुद भी नहीं अच्छा लगता कि जब आप इतना लंबा लंबा क्वेश्चन टाइप करते हो और मैं कुछ आंसर नहीं देती। मैं रीड सबके करती हूँ कमेंट्स, लेकिन मैं आंसर नहीं देती, तो लगता है कि देखो आपने बड़ी मेहनत लगती है मैसेज टाइप करने में और हम आंसर भी नहीं देते। तो आप प्लीज़ ऐसे टॉपिक्स तो अब आपको भी पता चल गए होंगे कि किन के आंसर्स मैं नहीं देती हूँ, अब मत किया करो टाइप, ठीक है। जो चीज़ मुझे बतानी होगी ना वो शायद आपके बिना पूछे ही मैं बता दूंगी, और जो चीज़ कुछ चीज़ें अभी तक रिवील नहीं की गई हैं यूट्यूब पे, तो आप कितना भी मैसेज करेंगे तो शायद आपको उसके आंसर जब भी ना मिले, फिर आप भी अपसेट होते हो। मेरे को भी यहाँ कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि यार कितना मतलब टाइम लगता है मैसेज टाइप करने में, इतना समय दिया गया चैनल पे और देखो हम रिप्लाई भी नहीं कर रहे, मेरे को भी नहीं सही लगता, ठीक है। तो आप ज़्यादा परेशान मत हुआ करो, बताना होगा मैं खुद बता दूंगी, ठीक है। तो आज का वीडियो तो बस इतना ही है, तो चलिए अगर व्लॉग्स पसंद आते हैं तो लाइक कर दिया कीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।